नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोल बैकर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम हैं डेल टेक के शोरूम पर, हमारे साथ है बंसीराम जी। बंसीराम जी स्वागत है वीडियो में, स्वागत है चैनल पे। और जैसा कि आप देख रहे हो पूरा सेटअप जो है आप देख रहे हो पूरा इलेक्ट्रिक का है, मोटर का हमने सेगमेंट रखा हुआ है। आज के मोटर में क्या क्या इशू आते हैं सर के साथ जो हम डिस्कस करें, सर के साथ क्यों कर रहे हैं, सर बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मोटर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ जानते हैं, सारा काम करते हैं। तो पूरा शोरूम पे जितनी मोटरें आती हैं सर की आंखों के बिना, मतलब आंखों के सामने सारी जाती हैं, तो सारी चीज़ें जो है इनसे पूछेंगे, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सोल्यूशन है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, खर्चा जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि बेसिकली मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर पार्ट्स में क्या क्या आता है। जैसे ये एक हब मोटर है तो इसके अंदर बेसिकली पार्ट्स क्या क्या होते हैं, अंदर क्या क्या होता है, जैसे हमने खोल के रखा हुआ है, तो इनमें बेसिकली पार्ट्स जो हैं क्या क्या होते हैं सर? इसमें देखा जाए तो मोटे मोटे दो पार्ट्स हैं, एक तो रोटर, ये रोटर होता है, और एक ये मैग्नेट है। ओके, व्हील में मैग्नेट लगे रहते हैं और रोटर में वाइंडिंग और क्या कहते हैं सेंसर लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे मैग्नेट के बारे में बात करें तो मैग्नेट में जो है क्या क्या इशू आ जाते हैं और क्यों आ जाते हैं? सर मैग्नेट में डिस्चार्जिंग होने का इशू आता है, मतलब मैग्नेट पावर अपनी पावर खो देता है, खो देती है पावर, उससे क्या प्रॉब्लम आती है? उससे सर मोटर प्रॉपर नहीं चल पाती, प्रॉपरली नहीं चल पाती, लोड नहीं ले पाती, लोड नहीं ले पाती। तो मोटर की जो चार्ज खो देती है, जो मैग्नेट है चार्ज खो देती है, क्यों खो देती है? सर हमेशा मैग्नेट गर्म होने की वजह से चार्ज खोती है। गर्म होने के क्या क्या रीजंस होते हैं सर? कुछ भी मान सकते हो, जैसे शॉर्ट सर्किट होना, शॉर्ट सर्किट होना, जैसे बेयरिंग खराब हैं, गर्म हो रहे हैं तो वो इफेक्ट मैग्नेट तक आता है। और अपने लेदर जो ब्रेक लगाने के लिए काम आते हैं, अपन ज़्यादा ब्रेक यूज लेते हैं या टच होके चल रहे हैं, उस वजह से भी गर्म आती है, जिससे भी गर्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है, मैग्नेट अपना पावर लॉस कर देती है, जैसे ही गर्म आता है मैग्नेट और धीरे धीरे अपना पावर खोती है, पावर खोती रहती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैग्नेट चार्ज हो जाती है वापस से? हाँ मैग्नेट चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो इसमें जैसे चार्ज होने में क्या खर्चा आता है या फिर क्या प्रोसेस होती है, खर्चा कितना आ जाता है प्रोसेस को क्या बताना, लेकिन खर्चा जो है जैसे इसमें बहुत सारी मैग्नेट हैं। हाँ सर करीबन कितनी? 42 मैग्नेट हैं इस वाली में, अलग अलग भी होती होंगी मोटर के हिसाब से, है ना? दो चार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो एक मैग्नेट को चार्ज करने का खर्चा या फिर अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगाएं हम तो कितना आ जाता है? सर एक मैग्नेट को चार्ज करने की अपनी यहाँ सुविधा नहीं है, अपन दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, फिर वहाँ से चार्ज होके आती है, तो वो सारा प्रोसेस थोड़ा सा महंगा हो जाए कि कोरियर वगैरह चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है, उसके बाद भेजते हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई एक ख़राब हो गई तो एक को भेज दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर इसी बात। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ जल्दी जो है ऐसी मशीन जो हैं चेक तो हो जाती है अपने पास की कौन सी खराब है कौन सी नहीं है, लेकिन सही करने की नहीं है अभी तक। तो जल्दी जो है मुझे पूरा भरोसा है टोंक में कोई ला सकता है तो सर ला सकते हैं, कुलदीप जी ला सकते हैं, और जल्दी जो है इस मामले में काम होना भी चाहिए। तो क्या है दिल्ली तक जाने की समस्या नहीं है, यहीं की ही सोल्यूशन हो जाए बढ़िया रहेगा। तो मैग्नेट का तो ये इशू आ जाता है, और मैग्नेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? मैंने देख रहा हूँ यहाँ पर मैग्नेट जो है टूटी हुई भी है। हाँ सर, तो मैग्नेट जो है क्यों टूट जाती है? सर मैग्नेट टूटने का कारण है बेयरिंग प्रॉपर नहीं चल रहे, जैसे ही बेयरिंग चाल जिसको अपन कहते हैं, मतलब बेयरिंग की चाल जो है खराब हो जाती है, तो एक तरफ रोटर चलता है, जैसे रोटर चलेगा मैग्नेट की कोई सा भी जगह तोड़ देता है, टूट जाती है, या फिर निकालने में टूट जाता है, निकालने में भी टूट सकती है, डालने में टूट जाती है। मतलब जैसे अपन कभी भी बेयरिंग चेंज कराते हैं तो डंका का बेयरिंग, ये वाले बेयरिंग की बात कर रहे हैं, अच्छा मैकेनिक नहीं है तो वो निकालने में तोड़, निकालने में टूट जाता है। और जैसे मैग्नेट में मैं यहाँ देख रहा हूँ गड्ढे वड्ढे भी हैं इस जगह पे, मैं आपको जो है क्लोज लुक एक बार दे दूंगा बाद में, तो यहाँ पे कुछ कुछ गड्ढे भी हैं, तो वो क्यों हो जाते हैं? सर गड्ढे होने का कारण है अंदर की तरफ मिट्टी रहना। अच्छा, मिट्टी कब रहती है? मैग्नेट में मतलब मोटर में पानी में चलने की वजह से पानी रहता है थोड़े दिनों, तो वो पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसके बाद वो सूख जाता है, तो सूखने के बाद वो मिट्टी बन जाता है, उस वजह से ये साइडों में जम जम के गड्ढे बन जाते हैं, जंग भी लग जाता है, जंग लगने से भी कुछ इशू बनते हैं, जंग लगने से क्या दिक्कत है? एक तो गड्ढे बनते हैं, जंग इकट्ठी हो गए, और उसके अलावा पावर भी मतलब ऊपर की लेयर खो देते हैं ये। अच्छा, ऊपर की लेयर जो खराब हो जाती है, और हो सकता है मतलब पूरा ही चेंज करना, पूरा चेंज करना पड़े, ज़्यादा जंग लग जाता है। तो मैग्नेट में इसके अलावा और कोई इशू तो नहीं आता है?
हाँ सर, टूटना और मैग्नेट पावर होना, दो बड़ी बात, गड्ढे होना, ये सारी जो है चार पांच चीजें हैं, तो सॉल्यूशन तो यहाँ आओगे तो मिल जाएगा बेसिकली ना। अगर टोंक में किसी को इस तरह का इशू है तो यहाँ सॉल्यूशन तो होता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है नहीं, लेकिन आजकल हम टाइम पे सर्विस कुछ ना कुछ कहीं से करके जरूर कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी हो जाती है, चीजें सोल्व कर देते हैं ये कस्टमर की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेल्टिक के ही काम करते हैं, जैसे ये हीरो की मोटर शायद ना, तो अलग अलग कंपनियों की मोटर भी जो है यहाँ पे रिपेयर, अंदर बहुत मोटर रखी हुई, मैं तो यार तीन चार हम लेके आए हैं और सेटअप बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी सारा रिपेयरिंग का जो है काम यहाँ पे आता है और काफ़ी सारा रिपेयरिंग जो है सर करते हैं। तो यहाँ पे वैसे और दो सर के हेल्प करने के लिए मैकेनिक वगैरह भी हैं, तो काफ़ी सारा काम जो है मोटर से रिलेटेड करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई कुछ मोटर की बातें, अब जो है दूसरे पार्ट्स पे हम चलते हैं, जैसे कि ये जो है रोटर रखा हुआ है, तो रोटर में क्या क्या इशू आ जाते हैं सर? सर रोटर में सबसे बड़ा इशू तो आता है सेंसर खराब हो जाते हैं, सेंसर मतलब वैल्यू आउट हो जाती है, सेंसर की वैल्यू आउट हो जाती है। सेंसर सब में एक तरह के लगते हैं, हर गाड़ी में अलग अलग सेंसर होते हैं, ये वेरिएंट टू वेरिएंट भी डिपेंड करता है, साल के हिसाब से भी चेंज हो जाते हैं कभी-कभी, जरूरी नहीं 2018 में जो लग रहा हो 2020 में भी वो लगा हो। जैसे ही कंपनी अपनी मोटर चेंज करती है वो वैल्यू चेंज करके भेज देती है। तो और दूसरा आता है जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग ये मतलब जल जाना, जल जाती है। इनके रीजंस क्या है बेसिकली, सेंसर खराब होने के और वाइंडिंग जलने के क्या रीजन होते हैं? सर सेंसर खराब होने का कारण तो ओवरलोड चलना, ओवरलोड, और तो लोग तीन चार बैठ के चलाते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, भाई बंद कर दो, क्या मतलब है जल जुला जाएगी, सही, सही है ना सर, नहीं चलाना सही चाहिए है। जो मैक्सिमम जो गाड़ी में लिमिट आती है 150 किलो की होती है लगभग, कंपनी 100 समझ के बेचती है, जो अभी पावर देती है वो 100 समझ के देती है, उसका कितना पावर है, अपन 150 किलो का अपना पावर है मतलब जो कंपनी देती है, और अपन 250 किलो बैठते हैं तो फिर जाहिर सी बात है या तो कंट्रोलर गड़बड़ करेगा या फिर मोटर गड़बड़ करेगा, कंट्रोलर मोटर में समस्या आ जाती है। लोग मैंने देखा है कट्टे वगैरह डाल के चलाते रहते हैं, खूब सामान भर भर के चलाते हैं, काफी शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो मोटर जलने का रीजन ओवरलोड बेसिकली सबसे ज्यादा होता है, नहीं जलना तो गर्म मतलब अर्थिंग बनना, अर्थिंग बनता है और सेंसर जलने का कारण है ओवरलोड चलना, ओवरलोड चलना, सेंसर जो है खराब होते हैं ओवरलोड की वजह से, और ये जो है शॉर्ट सर्किट और अर्थिंग की वजह से जल जाता है, अर्थिंग की वजह से जलता है। तो ये दो मेन रीजन, इनसे कैसे हम बचे, एक तो ओवरलोड नहीं चलाएं गाड़ी को, ठीक है भाई ज्यादा वजन डाल के जितना 150 किलो दो लोग बैठे हैं उतना ही, चार लोग भी नहीं जाए, सामान जो एक्स्ट्रा आगे रख देते हैं, अलग अलग चीजें रख देते हैं वो नहीं चलाएं, और ओवरलोड भी चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा थ्रॉटल नहीं देना, प्रॉपर वैसे चलना, प्रॉपर धीमे धीमे चलना, और जैसे और टाइम टू टाइम रिपेयर मतलब सर्विसिंग टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होता है। देखो कोई इशू आता है जल्दी जो है पकड़ में आ जाता है तो सॉल्यूशन अच्छे से हो जाता है, काफी देर बाद इशू आता है तो जो मोटर भी हमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, खर्चा ज्यादा, कभी कभी तो मोटर ही रिप्लेस करनी पड़ जाती है, रिपेयरिंग होती नहीं, और खासकर प्रॉब्लम जब आती है जब वारंटी खत्म हो जाती है ना, तो वारंटी में तो भैया ठीक है नहीं आ जाएगी, इशू सोल्व नहीं हो रहा तो नहीं भेजेंगे कंपनी वाले, लेकिन भाई वारंटी खत्म हो गई ना तो फिर जिम्मेदारी तो कस्टमर की है, फिर खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो पूरी मोटर रिप्लेस कराते हो तो कितना खर्चा आ जाता होगा? पूरी मोटर सर हर कंपनी के अलग, हर कंपनी के अलग अलग प्राइस, अपने लगभग 11,000 प्राइस है, डेल्टिक में 11,000 के लगभग अप्रोक्सीमेटली, बाकी डिटेल्ड में सर का नंबर है, आप आराम से कॉल करो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जैसे और क्या सोल्यूशन हो सकता है, पानी वानी की वजह से भी कुछ दिक्कत आती है क्या? हाँ पानी की वजह से आती है सर, पानी की वजह से अंदर पानी रहता है थोड़े दिनों तक, उसकी वजह से अर्थिंग बनने लग जाता है, कोई कहीं से इनके ऊपर ये आती है कवरिंग, वो कवरिंग हटी और जलने लग जाती है, अर्थिंग बताने लग जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बैंड वगैरह के जो इशू आते हैं कि बैंड आ जाता है मोटर के अंदर, तो वो क्यों आता है, क्या रीज़न होता है, किस जगह पे बैंड आता है, क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में सर? एक तो बैंड आता है पंचर में चलाना, अच्छा पंचर में लोग दौड़ाते रहते हैं, हवा कम में दौड़ाते रहते हैं, हवा कम में, उसमें गाड़ी माइलेज भी कम देती है पंचर में चलाने से या हवा कम में चलाने से, और दूसरी बात है जैसे ही गाड़ी गड्ढे में गिरेगी और इनके रोटर में बैंड, रोटर में भी बैंड आ जाता है, अंदर भी दिक्कत आ जाती है, अंदर भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि प्रेशर झेल नहीं पाता, ये कम पावर में रहता है, कम लोड पे रहता है, और जैसे हाँ बताया आप क्या बताना, और उसके बाद खोलते वक्त भी बैंड आ जाता है, उन्होंने उल्टा पुल्टा मार दिया। हाँ जैसे कुछ लोग मैकेनिक होते हैं जो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, नए नए सीख रहे होते हैं, वो अलग तरह से खोल लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो थोड़ा अनुभवी जो सर्विस कर रहे हैं उन पे जाओ, थोड़ा नए लोग क्योंकि बिना किसी ट्रेनिंग के लोग सर्विस सेंटर में कूद जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अनुभव जो है जरूरी है, बिना किसी ट्रेनिंग के आप किसी भी शोरूम पे जा रहे हो, सर्विस सेंटर पे जा रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है, सही उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, आ सकती तो है। मेरा ये
मैं तो कहता हूँ यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत मोटर रिपेयर होते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे हो चुका है मोटर रिपेयरिंग के अंदर। बात करें सर बेयरिंग की, तो बेयरिंग में जो है क्या इशू आ जाते हैं और कितना लाइफ वगैरह किस तरह से होती है इनकी? सर बेयरिंग लाइफ, एक तो पानी प्रॉपर पानी में नहीं चलना चाहिए, पानी में नहीं चलना, जैसे पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी की बेयरिंग भी लेनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी मतलब किन किन क्वालिटी की बेयरिंग आते हैं सर? एक तो विदाउट कोटिंग वाला बेयरिंग भी आता है, विदाउट सील वाला, सील वाला। हाँ, और वो पानी तुरंत लेता है, तुरंत जैसे ही पानी लिया पानी अंदर गया और इसमें जंग सा आने लग जाता है, आवाज़ करने लग जाता है और मोटर में मतलब चाल बन ऐसे पहिया ऐसे ऐसे होने लग जाता है, चाल बन जाती है। और ये जो है अपने, जैसे आपने कहा एक बार मुझे बताया था कि लोहे वाले भी आते हैं, तो वो ज़्यादा महंगे आते हैं? रबर वाले सबसे ज्यादा होते हैं आजकल, कोई क्लियर पता नहीं है कौन से ब्रांड में आ रहे हैं, कौन से ब्रांड में आ रहे हैं, लेकिन अच्छी सील्ड वाला बेयरिंग यूज लेना चाहिए, डबल सील वाला। आप मुझे बता रहे थे डबल सील वाला बेयरिंग यूज करना चाहिए ताकि अंदर पानी नहीं जाए और वो जल्दी खराब नहीं हो, जल्दी खराब नहीं हो, लाइफ टाइम टू टाइम सर्विस करानी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यही है, 150 रुपए नहीं देखनी चाहिए, 100-150 रुपए जो भी सर्विस में लगते हैं वो नहीं देखनी चाहिए, वो अपने को प्रॉफिट ही देते हैं। गाड़ी लाइफ जो है डबल हो ट्रिपल हो सकती है, मोटर के टाइम पे चेकअप वगैरह कराते रहे, हल्का सा इशू है तो ये नहीं कि हाँ गाड़ी चल रही है। बहुत से मैंने देखा थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है, सोचते थोड़ी सी आवाज आ रही चलते रहने दो, फिर तो आवाज आते 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 क्या बेयरिंग पूरा खत्म हो जाता है, अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो हल्की सी भी आवाज आ रही है, देखो इलेक्ट्रिक चीज नहीं है तो थोड़ा भी इशू है ना, तो आपको चेक कराना चाहिए। क्यों सर? हाँ सर, तो सर्विस जो है जो शेड्यूल सर्विस होती है ना उस पर करो, वरना वारंटी भी अवॉइड हो जाती है। हाँ, हो जाती है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे सर मैंने काफी बार देखा कस्टमर को पहले एजुकेशन देते हैं बाद में गाड़ी देते हैं। हाँ, कि भाई वारंटी आपको सर्विस टाइम पे करानी है तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी, वरना प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। बाकी जैसे वारंटी में जो है इस तरह के इश्यूज जो है वो कवर होते हैं या नहीं होते हैं? वारंटी में ऐसे मोटर कवर हो जाती है ना, जैसे बेयरिंग का टूटना या फिर जलना या फिर अंदर सेंसर वगैरह, ये वारंटी में कवर हो जाते हैं। और अगर वारंटी में कवर नहीं है तो खर्चा तो आपका होगा ही, उसके लिए आप सर को कॉन्टेक्ट करो कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और क्या खर्चा जो है सर आपको बता देंगे कैलकुलेशन करके कि टोटल जो है कितना है। तो सर का नंबर मैं दे दूंगा, टोंक से हो, डेल्टिक का शोरूम है हीरो मोटर्स के सामने ही चंद्रलोक होटल के एकदम वाली रोड पर, तो आप यहाँ पे आके लोकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ पे आके आप मोटर का जो है चेकअप वगैरह करा सकते हो, बैटरी का भी करा सकते हो। बैटरी के बारे में भी हम जो है बाद में कभी वीडियो बनाएंगे, आप जो है कमेंट करो कि बैटरी के ऊपर भी आपको इस तरह का वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन अच्छा करेंगे वारंटी में क्या चीज़ें होती हैं क्या चीज़ नहीं होती है, चेकअप कैसे होता है बैटरी का, सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में बताऊंगा मैं। लेकिन आप कमेंट करो कि आपको वीडियो देखना है या नहीं देखना है, चाहिए नहीं चाहिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा इस तरह का वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और धन्यवाद करना चाहूँगा सर का इस वीडियो में, सर हमारे साथ बैठे रहे और हमें जो है एक्सप्लेन किया इस चीज़ों के बारे में। तो आप जो है एक लाइक कर दीजिए यार, यहाँ तक देखने तो लाइक करना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सर का नंबर मैं देता हूँ, सर को आप जो है कॉल करके प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय।